अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग सीएस रैंक के जंगजू प्लेयर्स के साथ करने वाले हैं प्रैंक। क्या रैंक तो टाइम वेस्टर ही खेलते हैं, लेकिन सीएस रैंक जो खेलते हैं वो होते हैं असली जंगजू। ओ भाई मारो मुझे मारो, जिनको हर राउंड के अंदर क्वार्टर निकालना होता। तो चलो जो इनके साथ करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपने करेक्टर को है ना, हम लोगों ने बिल्कुल नूब सी ड्रेसिंग कर लेनी। कहना क्या चाहते हो? नेम भी पहले की तरह फोटो वाला लिख लेते हैं जीएम भाई। पहली गेम में हमारे साथ वैसे ही हमेशा की तरह हुआ कि सामने वाले स्क्वाड का टीममेट नहीं आया और हम लोग बैक। ये भगवान क्या जुलूम है। फाइनली हमारी गेम स्टार्ट होगी। प्लान के मुताबिक मैंने एक बंदे को दबोचने की कोशिश की और मैं इसमें सफल हो गया। इतनी खुशी ग्लूवॉल की मजबूती की वजह से मैं खुश हो ही रहा था कि उस बंदे ने स्कैनर मार के ग्लूवॉल तोड़ दी। इसके साथ प्रैंक होने की बजाय उल्टा मेरे खुद के साथ स्कैम हो गया। इजाजत दीजिए, ऐसे भी लोग हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो दोबारा ट्राई। तो ये सोच के मैंने ग्लू के अंदर दो बंदों को इकट्ठे दबोच लिया, लेकिन हुआ ये कि ग्लू के अंदर से थोड़ी सी जगह बची हुई थी जिनकी वजह से वो दोनों। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस राउंड के अंदर मैंने गन दिया नहीं और सारे कॉइन जो है ग्लोवल के ऊपर वेस्ट कर दिए। तो भाई साथ वाले प्लेयर को मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा। ये गन उठाने वाली थी का भाई, फाइनली मैंने माइक खोला तो इसी को जलील करते हैं। और फाइनली वो बंदा जो है ना नॉक हो जाता है। उसको पहले लगता है कि मैं उसको रिवाइव दे रहा हूँ। मैंने फौरन उसको पैक करके जैसे रिवाइव दिया भाई, उसने मेडिकेट मारने के बाद उस बेचारे ने ग्लोवल तोड़ने की हर कोशिश। ये दीवार टूटी क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। क्या चूतिया बना है यार, ये टूट ग्लू वाले नहीं टूट रहा भैन का कुछ यार। मैं भी नहीं खेला भाई मैच। मैं पास हो गया। माखन तू मैच नहीं हो पा रहा यहाँ। और यहाँ ये क्या ग्लिच ग्लिच आ जा रहे हैं, एक से एक ग्लिच आ जा रहे हैं यार। सारे के सारे एक साथ आओ, दिमाग खराब। नूबलो तो हार रहे यार। सिल्वर बंदा आया अगला। इजी गेम। किसी बंदे में सारे ठोक रहे। और यहाँ पे वो बंदा जो है ना दोबारा से एक दफा फिर से नॉक हो जाता है, तो मैं जाते हैं उसको दोबारा से पैक करके रिवाइव देता हूँ। दिमाग खराब। चूतिये पैक मत किया कर हमेशा, तू हमेशा पैक करता तू पूरा। चीटिंग करता है तू। तो भाई इससे अगले गेम में प्रैंक कर ही रहा था कि सामने वाले स्क्वाड के एक बंदे को कीड़ा आ गया और उसने मुझे ट्री में इमोट दिखा। और जब कोई इमोट दिखाता है तो आप लोगों को पता है कि उसके साथ होता। अच्छा ठीक है। तो भाई साहब यहाँ मैं अपने टीममेट के हालात और जज्बात के साथ खेल ही रहा था, फिर से उसी प्लेयर को कीड़ा आता है और ग्लूवल के अंदर घुस जाता है। फिर मैं अपने टीममेट को छोड़कर सामने वाले स्क्वाड के सॉफ्टवेयर अपडेट पे लग जाता हूँ। बराबरी वो भी फियाज मुसल्ली नाल का काल लगदा तो पान खादा है। वो पीछे पीछे टूर दी है फे मजकल आंदा है सटारा विच ना मजकल। के बाद जो नेक्स्ट गेम हुई उसके अंदर दो प्लेयर जैसे कंटेनर के अंदर घुसे हैं, तो मैंने पीछे से ग्लू वॉल से पैक कर दिया। एक सेकंड हेल्प मी। ओ भाई पीछे आगे रिवाइव कर दे हमें। अच्छा चीटिंग करता है तू। यार क्या करे यार, ओ नंबर वन है, पागल तो नहीं है? नहीं। एंड हिज नेम इज जॉन सी। यार नंबर वन तू पागल है यार, तू खेलना नहीं आता, पागलों की तरह रवाई छोड़ी जा रहा है। यार क्या कर रहे हो यार, सीधी जरा खेल लो। गाइस अगेन यहाँ पे ये एक बंदे को नॉक करते हैं, तो मैं दोबारा से इनको ग्लू वॉल के अंदर दबोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ग्लू वॉल की साइड पे थोड़ी सी जगह रह जाती है जिसकी वजह से ये लोग निकलने में कामयाब होते हैं।
तो आज का प्रैंक का इधर ये करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। कमेंट लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं हो।